हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इजी स्टडी, योर वन टैप डेस्टिनेशन फॉर क्विक लर्निंग। आप सभी का हमारे इंग्लिश सेगमेंट वर्ड प्ले पे स्वागत है, और आज हम वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसको कि आप एग्ज़ाम में हर जगह फेस करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और डेफिनेटली 5 to 10 marks हर एग्ज़ाम में, हर मेजर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है दोस्तों। जी हाँ, इट्स कॉल्ड प्रेपोजिशंस एंड दिस इज़ पार्ट वन ऑफ प्रेपोजिशंस, द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो प्रेपोजिशन स्टार्ट करने के पहले हम ये समझ लें कि इसके क्वेश्चन जो हैं आपसे एग्जाम में किस प्रकार पूछे जा सकते हैं। प्रेपोजिशंस के अगर क्वेश्चंस की बात करें तो मेनली तीन प्रकार पूछे जाते हैं, यानी तीन टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, वो चाहे आपका यूपीएससी हो या एसएससी हो या फिर आईबीपीएस हो या फिर इंश्योरेंस के या कुछ कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हो। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है जो कि प्रपोजिशंस में आता है, यानी कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है जिसमें कि प्रपोजिशन की कुछ गलती रहती है, देर आर सम मिस्टेक्स इन द सेंटेंस, और आपका काम यह है कि आप उस गलत प्रपोजिशन का यूज़ को या फिर उस गलत ग्रामेटिकल एरर को पकड़ करके आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। ये आपका पहला टाइप का क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है फ्रेंड्स, वो एक फिल इन द ब्लैंक्स होता है। फिल इन द ब्लैंक्स दोस्तों, ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनर्स का बहुत ही फेवरेट है, और ये अलग अलग तरीके से घुमा करके आपको देते हैं। ये आपको दो कैटेगरी में मिलता है, या तो आपको डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाता है जिसमें कि एक एक फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन आएगा और आपको उसके ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। कई बार दो दो प्रपोजिशन उसमें एक एक क्वेश्चन में दो दो प्रपोजिशन सेलेक्ट करने पड़ते हैं आपको। और दूसरा जो कैटेगरी है दोस्तों, वो आईबीपीएस के एग्जाम्स में ज़्यादा पॉपुलर है, दैट इज कॉल्ड क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट होता है कि आपको एक पैसेज दे देते हैं एग्जाम में जिसमें कि आपको 10 questions रहते हैं, यू नो 10 questions रहते हैं, और उसमें आपको हर क्वेश्चन में या तो प्रेपोजिशन या तो कंजंक्शन या फिर आर्टिकल या फिर अलग अलग टाइप के एडवर्ब्स एडजेक्टिव्स जो हैं अलग अलग से आपको सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें ये प्रेपोजिशन इंक्लूड कर देते हैं कई बारी। और ये जो है ये आपके आईबीपीएस के एग्जाम्स में और बैंकिंग इंश्योरेंस के एग्जाम्स में ज्यादा पॉपुलर है जो क्लोज टेस्ट होता है। द लास्ट नॉट बट नॉट द लिस्ट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फ्रेंड्स, ये भी एक ये भी जो क्वेश्चन होता है, इसमें भी कई बार आपके प्रपोजिशंस को टेस्ट किया जाता है। कई बार आपको दे दिया जाएगा कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चंस, 2 या 3 questions देते हैं जिसमें कि आपको प्रपोजिशंस एंटर करके उसे आंसर करना पड़ता है, डेफिनेटली आउट ऑफ 4 options दैट आर गिवन टू यू। जहाँ तक हमने एग्ज़ाम्स की बात करी थी फ्रेंड्स, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस वाले वीडियो आपने जो देखा होगा, आपने उसमें भी देखा होगा कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये एक कॉमन टॉपिक है प्रपोजिशंस। ये काफ़ी कॉमन है और ये काफ़ी ईजी भी होता है और स्कोरिंग भी होता है अगर आपको पता है कि आप कर रहे हैं तो, ठीक है। आपको उस सेंटेंस, आपको उस प्रपोजिशन का इम्प्लीकेशन, उस यानी कि उसका यूज़ और उसका मीनिंग जो अलग अलग जगह पर होता है वो आपको आना चाहिए, तो ये आपके लिए डेफिनेटली स्कोरिंग बन जाता है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेन टॉपिक ऑफ द डे। आइए हम देखते हैं प्रपोजिशंस। फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रपोजिशंस पढ़ने के से पहले हमें ये जानना चाहिए कि प्रपोजिशंस होते क्या हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रपोजिशंस दोस्तों? अगर आप इस वर्ड को ब्रेक करोगे, प्रपोजिशंस दो पार्ट में अगर आप इसे ब्रेक करें, तो आप देखोगे कि दो पार्ट आता है हमारे पास, जो कि पहला है प्री यानी बिफोर, एंड द सेकेंड पार्ट दैट कम्स टू अस इज पोजिशन, दैट मीन्स लोकेशन, डायरेक्शन और एनीथिंग एल्स। ओके, सो व्हेन वी इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ प्रपोजिशंस, इट कैन बी सेड दैट प्रपोजिशंस आर प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। व्हेन वी से प्लेस्ड बिफोर, वी मीन जनरली, मतलब कि सामान्य रूप से इनका उपयोग किसी भी नाउन, संज्ञा, प्रोनाउन, सर्वनाम, वर्ब, क्रिया या फिर एडजेक्टिव विशेषण के पहले ही होता है, ठीक है। सामान्य रूप से 75% to 80% टाइम्स आप देखेंगे कि इनका उपयोग जो है, इनका यूज़ जो है वो एक सेंटेंस के पहले हो रहा है, ना कि बाद में। लेकिन हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि मैं डेफिनेटली कवर करवाऊंगा आपको। कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर इसके बाद, इन वर्ड्स के बाद भी प्रपोजिशंस लगाए जाते हैं। द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस डेफिनेशन इज पोजिशन। फ्रेंड्स, जब हम पोजिशन बोलते हैं तो उससे हमारा मीनिंग है कि ये प्रपोजिशन जो वर्ड्स हैं वो क्या क्या इंडिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। उनकी उनकी पोजिशन की वजह से वो क्या इंडिकेट करना चाहते हैं। अगर नाउन के साथ लगाया गया है तो वो लोकेशन इंडिकेट कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन इंडिकेट कर सकते हैं। अगर वर्ब के साथ है तो फिर वो मूवमेंट इंडिकेट कर सकते हैं। अगर टाइम के, अगर अगर वर्ब या नाउन के साथ यूज़ किया जा रहा है तो वो टाइम भी बता सकते हैं या फिर रिलेशन भी बता सकते हैं एक सेंटेंस में उपयोग किए गए वर्ड्स के बीच में। ओके फ्रेंड्स,
सो एंड एक और चीज़ आप याद रखिए कि द नाउन प्रोनाउन वर्ब और एडजेक्टिव यानी जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण जिसके लोकेशन डायरेक्शन दिशा मूवमेंट टाइम और रिलेशन इज इंडिकेटेड बाय द प्रपोजिशन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन यानी जिस नाउन के बारे में बात किया जा रहा है प्रपोजिशन को यूज करके उस सेंटेंस में जिस नाउन को हाईलाइट करता है वो नाउन या फिर वो वर्ब एडजेक्टिव या प्रोनाउन दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन वो उस प्रपोजिशन का उद्देश्य है. ओके मुझसे पूछोगे कि बॉस फाइनली प्रपोजिशंस का मतलब क्या हुआ तो मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रपोजिशंस आर दोज जॉइनिंग वर्ड्स यानी कि ये वो वर्ड्स हैं जो कि एक नाउन को या एक वर्ब को या फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस को जॉइन करते हैं एंड दे आर प्लेस्ड बिफोर. ओके दे आर प्लेस्ड बिफोर अ नाउन प्रोनाउन और वर्ड एंड एडजेक्टिव जिसको ये हाईलाइट करना चाहते हैं एंड दे इंडिकेट द पोजिशन. ओके सो दे इंडिकेट द पोजिशन. पोजिशन से हमारा कहने का मतलब है या तो स्थान या तो दिशा लोकेशन डायरेक्शन मूवमेंट या समय वॉट एवर. ओके और ये आप याद रखिए हमेशा कि जो नाउन प्रोनाउन वर्ब और एडजेक्टिव जिसका कि लोकेशन डायरेक्शन मूवमेंट टाइम और रिलेशन इंडिकेट किया जा रहा है प्रपोजिशन को यूज़ करके उसे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन कहते हैं. ओके सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर. Now I hope that is pretty clear to you guys and girls. So I think that we should move on to the next first lot of the day. Okay, आइए आज का पहला हम लोग लॉट देखते हैं prepositions का. दोस्तों आपके सामने एक डायग्राम है जिसपे कि prepositions of location और place दिया गया है. जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं जितने भी वर्ड्स हैं जो कि किसी भी स्थान या जगह को की ओर संकेत करते हैं जैसे कि on, in, over, under, etc. etc. ये सारे वर्ड्स जो है एक डायग्राम के फॉर्म में आपके सामने रख दिए गए हैं और आप देख सकते हैं क्लियरली कि कई सारे ऐसे डायग्राम्स हैं जो कि आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने में हेल्प करेंगे. जैसे कि दोस्तों मैं जानता हूँ मेरे फ्रेंड्स भी हैं जिन्हें कि काफ़ी टाइम कंफ्यूजन रहता है कि भाई ऑन और ओवर में क्या डिफरेंस है, हम ऑन कहां यूज करेंगे और हम ओवर कहां यूज करेंगे. ये कॉमन क्वेश्चन कॉमन कंफ्यूजन रहता ही है स्टूडेंट्स के मन में भले ही कोई भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो. ओके सो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो फ्रेंड्स ऑन हम तब यूज करते हैं जब किसी चीज के ऊपर कोई चीज रखा हो तो. ओके जैसा कि आप देख सकते हैं वो बर्ड उस बॉक्स पे खड़ा है सो दैट इज सो द बर्ड इज ऑन द बॉक्स इन दैट डायग्राम. ओके लेकिन ओवर हमेशा एक डिस्टेंस की वजह से कहा यूज होता है. बर्ड और बॉक्स के बीच में डिस्टेंस है द बर्ड इज नॉट ऑन द बॉक्स बट ओवर द बॉक्स देर इज अ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ग्राउंड और द फ्लोर और दैट सर्फेस. ओके सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड ओवर. एक और डिफरेंस मैं आपको पॉइंट करूंगा फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं अमंग और बिटवीन. राइट अमंग और बिटवीन यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली फ्रेंड्स कि अमंग जो है वो उसमें जो बर्ड्स हैं वो कई सारे बर्ड्स खड़े हैं कोई भी डिस्टिंक्टली पता नहीं चल रहा है दे आर ऑल जस्ट स्टैंडिंग और बिटवीन द वन बिलो इट या सो बिटवीन जो है वो क्लियरली दो बॉक्सेस के बीच में है. दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस फ्रेंड्स. जब हम बिटवीन यूज़ करते हैं तो हम बिटवीन तभी लगाते हैं जबकि हमें दो स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बता दिया जाता है दो या मोर देन टू. ओके टू और मोर देन टू स्पेसिफिक थिंग्स आर टोल्ड देन वी यूज़ बिटवीन. जैसे कि देर इज़ नो सीक्रेट बिटवीन मी एंड हर. So this is where between will be used because two persons have been specified, me and her. But when I use among, for example, there is no unity among the students of the class. So इस sentence में किसी एक particular student या फिर किसी भी group of student के बारे में नहीं बोला गया है. इसमें सभी students के बारे में generalized तरीके से कहा गया है. तो जब generalized तरीका use करते हैं बात करने के लिए तो हम among use करते हैं. जब specific लोगों के बारे में बात किया जाता है या specific चीज़ों के बारे में बात करते हैं then we use between. Okay friends, so I think that is pretty clear for you. Let us move on to the next. आइए हम लोग अब इस लोकेशन के प्रपोजिशन के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों. दोस्तों सबसे पहला सेंटेंस जो आप देख सकते हैं अपने सामने एग्जाम्पल्स में दैट इज नंबर वन ही इज लिविंग इन दिल्ली. This is a pretty simple sentence. वो दिल्ली में रहता है. He is living in Delhi. All of you know this since childhood, I guess.
नंबर टू इज़ माई हाउस इज़ ऑन सेसेमी स्ट्रीट. वेन एवर वी टॉक अबाउट अ हाउस और अ बिल्डिंग, ठीक है, अगर किसी घर की बात करें, किसी दुकान की बात करें, किसी भी जगह की, किसी भी स्ट्रक्चर की बात करें, तो द स्ट्रक्चर इज़ ऑलवेज ऑन द स्ट्रीट. ओके, सो दैट इज़ वाई माई हाउस इज़ ऑन द स्ट्रीट. मेरा घर उस सड़क के ऊपर है. ओके, इट इज़ ऑन द स्ट्रीट. नाउ नंबर थ्री इज़ आई नॉक्ड ऑन और एट द डोर बट गॉट नो रिप्लाई फ्रॉम विद इन. फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही कॉमन डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक है. ये अगर आपको एग्ज़ाम में दे दिया जाए तो डेफिनेटली समझ लो कि वो एग्जामिनर बहुत ही ट्रिकी तरीके से आपको टेस्ट करना चाहता है. इसीलिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि नॉक्ड ऑन और नॉक्ड एट के बीच डिफरेंस क्या होता है. दोस्तों, जब हम नॉक्ड ऑन लिखते हैं, नॉकिंग ऑन द डोर, इसका मतलब है कि हम बाहर से नॉक कर रहे हैं. सो इट इज़ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ द पर्सन हु इज़ नॉकिंग फ्रॉम द आउटसाइड. ओके, सपोज आई एम नॉकिंग ऑन द डोर, तो मैं घर के बाहर खड़ा हूँ और मैं नॉक कर रहा हूँ, तब हम नॉक ऑन यूज़ करते हैं. नाउ व्हेन वी यूज़ नॉक्ड एट द डोर, वी इम्प्लाई दैट द पर्सन सिटिंग इनसाइड द हाउस इज लिसनिंग टू द नॉक एट द डोर. ओके, तो घर के अंदर जो आदमी है उसे वो नॉक सुनाई दिया तो वो ये बोलेगा देयर वॉज अ नॉकिंग एट द डोर. ओके, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉक्ड ऑन एंड नॉक्ड एट. अगर एग्जाम में दोस्तों आपको इसके लिए दोनों ऑप्शंस दिए जाएं, नॉक्ड ऑन और नॉक्ड एट, तो आप कंप्लीट सेंटेंस पढ़ना. जैसे अगर आप ये सेंटेंस कंप्लीट पढ़ोगे, आई नॉक्ड ऑन द डोर बट गॉट नो रिप्लाई फ्रॉम विद इन, यानी कि मैं डेफिनेटली घर के बाहर खड़ा हूँ, राइट. मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, मैंने नॉक किया, यानी मैं आई नॉक्ड ऑन द डोर एंड आई डिड नॉट गेट एनी रिप्लाई फ्रॉम विद इन. ओके, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. फ्रेंड्स, नंबर फोर इज अबव ऑल एल्स हैव फेथ इन गॉड. अबव ऑल एल्स मतलब कि बाकी सब चीज़ों के ऊपर. ओके, इट इज़ प्रिटी सिंपल. बाकी कोई किसी भी चीज़ के ऊपर यू शुड हैव फेथ, भगवान पर विश्वास रखिए. ओके, नंबर फाइव इज अमरेंद्र वाज स्टैब्ड इन द बैक. नाउ दिस इज एक्चुअली pointing to the place where he was stabbed. Okay, if you look at it logically, वो उस जगह की बात किया जा, इस sentence में बात की जा रही है जहाँ पे he was stabbed. And this is actually also a phrase. ये एक phrase भी है, ठीक है. Stabbing in the back का मतलब होता है friends, धोखा मिलना, ठीक है. So this is a phrase, you should actually remember it. Stabbing in the back means to get betrayed. Okay, and in this case it will be in the back. ओके, नंबर सिक्स इज डोंट कीप एनीथिंग अंडर द टेबल. टेबल के नीचे डेफिनेटली अगर कुछ रखा रहा तो हम अंडर द टेबल ही यूज़ करते हैं. सो दैट इज़ अ प्रीटी सिंपल वन. एंड नंबर सेवन इज देर इज़ अ ग्लॉसरी एट द बैक ऑफ द बुक. किताब के पीछे एक ग्लॉसरी है. सो देर इज़ अ ग्लॉसरी एट द बैक ऑफ द बुक. नाउ आई एम टेलिंग यू वन थिंग, एट जब भी हम यूज़ करते हैं, एट इज़ ऑलवेज यूज टू पॉइंट टू अ प्रिसाइज लोकेशन और प्रिसाइज टाइम. ओके, जब हम बोलेंगे कि आई विल मीट यू एट 7 o'clock, दैट मीन्स आई विल मीट यू एग्जैक्टली एट 7 o'clock. आई विल मीट यू एट द रोड, दैट मीन्स आई एम गोइंग टू मीट यू डेफिनेटली एट द रोड, एट दैट पर्टिकुलर रोड. ओके, सो वी कीप दिस इन माइंड. वेन एवर वी यूज एट, देर इज अ स्पेसिफिक पॉइंट इंक्लूडेड. सो दैट इज वाई वी आर यूजिंग एट. सो फ्रेंड्स, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. The next slide tells us about the prepositions of movement or direction. Okay, यानी कि ये किसी भी दिशा या किसी भी movement के बारे में हमें बताता है. आप देख सकते हैं बहुत ही commonly used words हैं, जैसे along यानी किनारे, over यानी ऊपर, through यानी किसी भी चीज़ के बीच से निकल जाना, up यानी ऊपर, down यानी नीचे, on to मतलब नीचे से ऊपर आना, on to something, and off मतलब ऊपर से नीचे चले जाना. So the difference between up and down and onto and off is, onto and off में बहुत बड़ा distance नहीं रहता है, ठीक है. Onto and off में ज़्यादा distance होता नहीं है, लेकिन up and down में generally a greater distance is involved. Okay, so now let us look at some of the examples of this preposition of direction and movement. The prepositions of directions and movements में आपको जिस तरह के sentences दिए जाएंगे वो ऐसे रहते हैं, he travels from Kolkata to Mumbai. Pretty simple, कहाँ से कहाँ जा रहा है, कलकत्ता से मुंबई जा रहा है. he travels from Kolkata to Mumbai. Do not point your fingers at this honest man. Okay, you cannot point your finger on the honest man. On मतलब ऊपर हो गया, आपकी उंगली उस इंसान के ऊपर है. ओके, जो कि हमने पहले देखा था प्रेपोजिशंस ऑफ लोकेशन में, राइट. सो यू हैव टू पॉइंट योर फिंगर, यू डू नॉट पॉइंट योर फिंगर एट द मैन, नॉट ऑन हिम,
ओके, थर्ड वन इज ही हैज़ ट्रैवल्ड ऑल अक्रॉस द ग्लोब. नाउ फ्रेंड्स, आई नो आप क्या सोच रहे होंगे. दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऑल ओवर क्यों नहीं लिखा है, ऑल अक्रॉस क्यों लिखा है, राइट. अगर आपको एग्जाम में ऑल ओवर दे दिया जाए या ऑल अक्रॉस दे दिया जाए, तो आप डेफिनेटली कन्फ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा सेलेक्ट करें. लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन बोथ. ठीक है, दोनों में अंतर ये है कि व्हेन अ सेंटेंस टेल्स यू दैट ही हैज़ ट्रैवल्ड ऑल अक्रॉस द ग्लोब, इसका मतलब ये होता है कि उसने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो गया है. ठीक है, बट व्हेन दे टेल यू दैट ही हैज ट्रैवल्ड ऑल अलोंग ऑल ओवर द ग्लोब, ओके, व्हेन दैट सेंटेंस स्पीक्स अबाउट ऑल ओवर द ग्लोब, तब आप समझ जाना कि वो बहुत सारे जगहों पे गया है. ही हैज बीन टू मेनी प्लेसेस एंड देन ही हैज रीच्ड हिज डेस्टिनेशन. ऑल अक्रॉस सिंपली मीन्स फ्रॉम गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, एंड ऑल ओवर मीन्स गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस वाइल रीचिंग द फाइनल डेस्टिनेशन. आई नो बोथ आर यूज इंटरचेंजेबली, दोनों को यूज़ किया जाता है टू मीन द सेम थिंग, बट दिस इज़ द माइन्यूट डिफरेंस. एंड अगर एग्जाम क्वेश्चन पेपर ट्रिकी रहा आपका, तो यही डिफरेंस रहता है जो कि आपको हेल्प करेगा वो पॉइंट स्कोर करने में. नंबर फोर, हियरिंग द टेल ऑफ माई सफरिंग्स शी वॉज मूव टू टीयर्स. यहाँ पे इमोशंस की मूवमेंट की बात की जा रही है. ओके, द पर्सन हु हर्ड द टेल वॉज नॉट इन अ सैड मूड, बट शी बिकेम सैड, सो शी वॉज मूव फ्रॉम अ न्यूट्रल मूड टू टीयर्स. ओके, एंड द बोट सेल्ड अलॉन्ग द रिवर. ओके, नंबर फाइव सेंटेंस है दोस्तों, द बोट सेल्ड अलॉन्ग द रिवर. द बोट व्हेन इट सेज दैट द बोट सेल्स अलॉन्ग द रिवर, अगर सेंटेंस बोल रही है कि बोट जो है नदी पे तैर रहा है, तो इट विल ऑलवेज इम्प्लाई अलोंग. ओके ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड विच विल टॉक अबाउट प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, डेट एंड पीरियड. फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि प्रेपोजिशंस की तरह यूज़ किया जाता है, बट जो कि किसी भी समय या फिर किसी भी तिथि यानी डेट या फिर किसी पीरियड यानी किसी काल के बारे में आपको बताते हैं. जैसे कि वर्ड्स जैसे अगो, सिंस, एट, जो कि मैंने आपसे प्रीवियसली बताया, एट इज अ इट पॉइंट्स टू अ स्पेसिफिक पॉइंट. ओके, इन, ऑन, फॉर, बिफोर, टू, टिल, अनटिल, पास्ट, टू, बाय. तो ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं फ्रेंड्स जो कि टाइम पीरियड और डेट के लिए यूज़ किए जाते हैं कॉमनली, एंड इट इज़ वेरी मच एडवाइज्ड कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, सो दैट इट विल हेल्प यू टू रिवाइज जस्ट बिफोर योर एग्जाम्स व्हेन यू आर लुकिंग फॉर प्रेपोजिशंस. नाउ फ्रेंड्स, आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू सम एग्जाम्पल्स फॉर द प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, डेट और पीरियड. ओके, आपके सामने कुछ सेंटेंसेस आएंगे. नंबर वन, प्लीज़ बी एट होम बाई नून. सो दिस इज़ प्रिटी सिंपल, कहाँ पे आना है, इट इज़ वेरी प्रिसाइजली स्टेटेड कि आपको घर पे आना है दोपहर तक. सो प्लीज़ बी एट होम बाई नून. नंबर टू है फ्रेंड्स, वी लेफ्ट फॉर द स्टेशन एट 6 PM यस्टरडे. अगेन अ प्रिटी सिंपल वन, प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. हम कहाँ के लिए निकले, स्टेशन के लिए निकले, सो वी लेफ्ट फॉर द स्टेशन एट, क्योंकि प्रिसाइज टाइम दे दिया गया है 6 PM, सो एट 6 PM यस्टरडे. नंबर थ्री फ्रेंड्स, ही अपोज द मैरिज एट फर्स्ट बट इन दी एंड गेव हिज कंसेंट. पहले तो शादी के लिए मना किया बट लास्ट में मान गए. सो ही अपोज द मैरिज एट फर्स्ट, यहाँ पे एट यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पे हम चांसेस की बात कर रहे हैं, फर्स्ट चांस, सेकंड चांस. सो एट द फर्स्ट चांस, सो ही अपोज द मैरिज एट फर्स्ट बट इन द एंड, मतलब अंत में वो मान गए. नंबर फोर इज़ द ट्रेन इज रनिंग ऑन टाइम. हम नॉर्मली हमेशा क्या कहते हैं, द ट्रेन, हमारी ट्रेन समय पर है. सो द इट्स अगर आप इसका लिटरल ट्रांजिशन करोगे तो वो भी यही बोलता है, द ट्रेन इज रनिंग ऑन टाइम. नंबर फाइव, वी अराइव्ड एट द थिएटर इन गुड टाइम. नाउ फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है दिस इज एक्चुअली इंक्लूडिंग अ फ्रेज ऑल्सो. सो वेन वी से वी अराइव एट द थिएटर इन गुड टाइम इज अ फ्रेज विच मीन्स कम्फर्टेबली. यानी कि भाई हाँ, हम थिएटर में पहुँच गए, पिक्चर शुरू नहीं हुई थी, पॉपकॉर्न लेने का टाइम था अभी, सो वी अराइव एट द थिएटर इन गुड टाइम.
Number six, the team scored the equalizer in the nick of time. Again friends, this is a phrase. And believe me, आपको ये इतने सारे questions जो हैं, जो phrase के साथ include करके मिल रहे हैं, इसी तरह से आपको prepositions exam में भी test किया जाता है. You can use logic to put in prepositions, but there are phrases जिसमें कि उन्हें उसी प्रकार invent किया गया है. Okay, so when those sentences, when those phrases have been created that way, the examiners will also want to test you with your knowledge about the phrases as well as prepositions. Okay, so the team scored the equalizer in the nick of time. This means that the team scored the equalizer at the last minute. यानी कि deadline खत्म होने के पहले, just पहले ही team ने score किया. So this is also a phrase, in the nick of time, it means at the last moment. Number 7, he fell for at first sight. I think Atif Aslam ji ne bhi kai baar kaha hai, pehli nazar mein aisa jadu kar diya. So if you remember that song, you can pretty much remember this one. He fell for her at first sight. Okay friends, now let us move on to the next segment of this video, which will show you some special cases of multiple uses for a single word. यानी कि दोस्तों, अब हम कुछ ऐसे शब्दों के बारे में देखेंगे, अब कुछ ऐसे शब्दों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिनका अलग-अलग तरीके से उपयोग किए जाने पर उनके आसपास लगाए गए prepositions भी बदलते हैं. That means when we use these words differently, either as a noun or a verb or an adjective, the prepositions that are used with these words also changes. So our number one word for this session is pride. जैसा कि friends आप जानते हैं, pride का जो common meaning हमें पता है, वो ये उसे गर्व कहते हैं. It means to be proud of something जिस पे हमें गर्व हो. So you will have four sentences in front of you. Now आप clearly देख सकते हैं अपने screens पे कि कुछ pride को कुछ sentences में as a noun use किया गया है और दूसरे sentences में as verb use किया गया है. So we'll take the first sentence as a noun. He takes pride in his wealth. ये UPSC 2015 का question है friends, और वहाँ पे ये preliminaries में पूछा गया था कि वो pride किस चीज़ पे लेता है, अपने wealth पे रहता है. So what is the preposition in this case? Okay friends, इस sentence में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे pride, यहाँ पे wealth एक noun है, definitely जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही है वो wealth है. वो प्राइड लेता है किस चीज़ पे, वो उसे गर्व है किस चीज़ पे, उसे अपने धन पे गर्व है. इट मींस ही इज प्राउड ऑफ हिज वेल्थ. लेकिन यहाँ पे प्राइड भी एक नाउन का फॉर्म है. ओके, सो इन दिस केस वी विल यूज द, सो इन दिस केस द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन इज वेल्थ, बट प्राइड इटसेल्फ इज ऑल्सो बींग यूज एज अ नाउन. ओके, दैट इज वाई वी आर गोइंग टू यूज इन हिज वेल्थ. दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो LIC एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी LIC AO के एग्जाम में पूछा जा चुका है. द हंटर वॉज मॉल्ड बैडली बाय अ प्राइड ऑफ लायंस. दोस्तों, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो प्राइड ऑफ लायंस जो है वो एक कलेक्टिव नाउन की तरह से इस्तेमाल किया गया है. ओके, कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स, एनिमल्स, इसके इनको कलेक्टिव नाउन्स कहा जाता है. जैसे कि स्कूल ऑफ फिश, ठीक है, और अ हर्ड ऑफ बफेलोज. सो दिस इज अ कलेक्टिव नाउन. ओके, सो व्हेन वी यूज अ प्राइड ऑफ लायंस, वी मीन टू से अ ग्रुप ऑफ लायंस और मेनी लायंस टुगेदर. ऑलराइट, नाउ द सेंटेंस हियर सेज दैट द हंटर वाज मॉल्ड बैडली बाय अ प्राइड ऑफ लायंस. तो हम बाय इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि प्राइड एक कलेक्टिव नाउन है. एंड ऑफ, तो आप समझ ही गए होंगे सेंटेंस देख करके कि यहाँ पे प्राइड किसका होगा, प्राइड लायंस का होगा. सो द प्राइड ऑफ लायंस. Now, if we go to the examples of verbs, number first, the first sentence that we see is, we are proud of our great country. Pretty simple one, friends. हमें किस पे गर्व है? हमारे देश पे गर्व है. We are proud of our country. The next one, he prided himself on his honesty. ये SSC 2016 के prelims का question है, friends. He prided himself on his honesty. यानी उसे वो करता था, वो उसे गर्व था अपने, किस चीज़ पे, पास्ट टेंस की बात की जा रही है, वो उसे गर्व था अपने ईमानदारी पे. ओके फ्रेंड्स, आई थिंक नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड वर्ड विद अ मल्टीपल यूज केस. द सेकंड वर्ड दैट वी हैव इज क्वारल.
यानी कि लड़ाई, झगड़ा, विवाद। कॉरल के अगर आप एग्जांपल्स देखोगे फ्रेंड्स, तो वो कुछ इस तरह से है। अगर आप नाउन फॉर्म में देखना चाहो, दे क्वारल्ड ओवर द राइट्स टू द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। दोस्तों हमारा जो पहला एग्जांपल है वो आईबीपीएस के पीओ एग्जाम में पूछा गया है, दे क्वारल्ड ओवर द राइट्स टू द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि खानदानी वसीहत के ऊपर विवाद उन्होंने किया। तो क्वारल के साथ हम यहाँ पे ओवर यूज कर रहे हैं क्योंकि ये पास्ट टेंस में था, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन इज द एंसेस्ट्रल इज द राइट्स ऑफ द प्रॉपर्टी। ओके, सो दैट इज वाई व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द राइट्स, इट इज ओवर द राइट्स, नॉट ऑन द राइट्स। मेरे साथ झगड़े की कीमत उसे चुकानी पड़ी। ओके, ही पेड द प्राइस ऑफ पिकिंग अ क्वारल विथ मी। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली पिकिंग जो है वर्ब है, लेकिन क्वारल को नाउन की तरह यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे आप हमेशा जब जो वर्ब है उसके साथ हम यूज़ कर रहे हैं ऑफ। दोस्तों अगर हम वर्ब का एग्जांपल देखें, डोंट क्वारल विथ योर फ्रेंड्स ओवर ट्रिवियल मैटर्स, यानी कि क्वारल जो है वो प्रेजेंट टेंस में है। डोंट क्वारल यानी अपने दोस्तों के साथ झगड़ा मत करो छोटी छोटी बातों पर। तो जब फ्रेंड्स की बात करेंगे तो हम किन के साथ कर रहे हैं, विथ फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंड दोस्तों किससे लड़ाई कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर फाइटिंग विद फ्रेंड्स ओवर ट्रिवियल मैटर्स, यानी छोटी छोटी बातों के ऊपर। दोस्तों प्रेपोजिशन सॉल्व करने का सबसे अच्छा ट्रिक ये है कि आप हमेशा जिस जो सेंटेंस आप पाएं उसे हमेशा अपनी भाषा में कन्वर्ट करें। जब आप उसे अपनी भाषा में कन्वर्ट करेंगे तब आप देखेंगे कि आपकी भाषा में जो वर्ड आप यूज़ करते हैं उसी का इंग्लिश फॉर्म होना चाहिए। दोस्तों इसी तरह से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह वर्ड एक पर प्रेपोजिशंस अनेक, यानी एक ही वर्ड के साथ कितने अलग अलग फॉर्म के प्रेपोजिशंस लगाए जा सकते हैं। ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं और मैं जो आपको इस सीरीज़ में दिखाऊंगा यही कंप्लीट लिस्ट नहीं है, पर मैं जितने भी पार्ट्स निकालूंगा उसमें मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन वर्ड्स के साथ आपकी जानकारी करवाऊँ। हमारा अगला वर्ड है आज के लिए पॉइंट। दोस्तों पॉइंट को अगर हम नाउन फॉर्म में देखना चाहें तो हमें ये दिखेगा, द पॉइंट ऑफ हिज डैगर वॉज शार्प, यानी कि यहाँ पे पॉइंट जो है उसे एक संज्ञा की तरह, एक प्रॉपर नाउन की तरह यहाँ पे यूज़ किया गया है और कहा गया है कि उसके डैगर का जो पॉइंट था वो बहुत ही नुकीला था। ठीक है, आप ये ध्यान रखिए दोस्तों कि यहाँ पे जो जो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है वो पॉइंट है। ठीक है, एंड दिस इज़ एक्चुअली एन एक्सेप्शन, क्योंकि यहाँ पे जो प्रपोजिशन है वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन के बाद यूज़ हो रहा है, ना कि पहले। इसी तरह फ्रेंड्स सेकेंड सेंटेंस हम देखते हैं, टर्न लेफ्ट एट द पॉइंट वे यू सी अ कैफे। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पे कहा गया है कि जिस पॉइंट पे यानी जिस कोने पे आपको कैफ़े दिखेगा वहीं से आप बायां मुड़ जाइए। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक लोकेशन की बात की जा रही है, और हम जानते हैं कि नाउन क्या होता है, एनी पर्सन प्लेस और थिंग इज़ अ नाउन, राइट। तो इसीलिए जब किसी लोकेशन की बात की जा रही है जहाँ पे पॉइंट का इस्तेमाल किया जा रहा है उस लोकेशन को बताने के लिए, वहाँ पे वो नाउन है, और इसीलिए वी टर्न लेफ्ट एट द पॉइंट वेयर देर इज़ अ कैफे। ओके, नाउ कमिंग टू द वर्ब फॉर्म ऑफ पॉइंट, ही पॉइंटेड हिज टॉर्च बीम एट द विंडो, यानी कि पॉइंट किया, दिस इज अ मूविंग वर्ड, ही पॉइंटेड, सो इट इज अ वर्ब, दैट इज वाई वी से दैट ही पॉइंटेड हिज टॉर्च बीम एट द विंडो। नंबर टू, एवरीथिंग पॉइंटेड टू अ लैप्स इन जजमेंट, अ वेरी सिमिलर काइंड ऑफ सेंटेंस, बट दिस सेंटेंस टॉक्स अबाउट अ मोर, क्या कहते हैं, अ मोर एब्स्ट्रैक्ट थिंग विच इज़ अ लैप्स इन जजमेंट। नंबर थ्री, आई पॉइंटेड हाउस आउट हिज मिस्टेक्स एंड दैट एजिटेटेड हिम। नंबर थ्री हमसे क्या बोल रहा है कि मैंने उसकी खामियां निकाली, आई पॉइंटेड हिम आउट, विच इज़ एक्चुअली अ वर्ब बिकॉज आई वॉज डूइंग सम वर्क, सो आई पॉइंटेड इट आउट एंड दिस एजिटेटेड द पर्सन। So that is why point here has been used as a verb. Okay, fine. Now let us move on to the next one. दोस्तों आज का हमारा अगला वर्ड है अलाइट। दोस्तों अलाइट का जो उपयोग है वो
कई डिफरेंट तरीक़ों से किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे एक एडजेक्टिव के रूप में अलाइट को कैसे यूज़ किया जाता है। WB वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज 2014 का क्वेश्चन है, द हाउस वॉज अलाइट बाई द टाइम ही अराइव्ड। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन दोस्तों इज ओवर हियर इज अलाइट, क्योंकि हम टाइमिंग की बात कर रहे हैं। घर कब तक जल चुका था? जब तक वो पहुंचा तब तक घर जल चुका था। दैट इज़ वाई द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन इज अलाइट एंड बाई विल बी द प्रपोजिशन दैट विल बी यूज हेयर, क्योंकि हम एक टाइम की बात कर रहे हैं। अगर हम वर्ब फॉर्म की वर्ब का फॉर्म देखें अलाइट का, तो दोस्तों पहला सेंटेंस है द प्लेन अलाइटेड ऑन द टारमैक। लैंडिंग स्ट्रिप होती है उसे टारमैक कहते हैं दोस्तों। तो जो एयरपोर्ट पे जो लैंडिंग स्ट्रिप थी उस पर प्लेन जो है लैंड किया। इट लैंड अलाइटेड ऑन द टारमैक बिकॉज देर वॉज कॉन्टैक्ट, इट वॉज इट इट टच्ड द टारमैक, राइट। द सेकेंड सेंटेंस इज एज रणबीर अलाइटेड फ्रॉम हिज कार ही वॉज मॉब्ड बाय द फैंस। आई थिंक दिस इज़ अ प्रीटी सिंपल सेंटेंस, ये इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं। आई थिंक यू कैन प्रीटी मच अंडरस्टैंड इट। एंड द लास्ट वन इन अलाइट इज द बर्ड अलाइटेड एट द ब्रांच ऑफ द ट्री। दोस्तों वो TREE होगा, द बर्ड अलाइटेड एट द ब्रांच ऑफ द ट्री, यानी कि पंछी जो है वो पेड़ के ब्रांच पे उतरा। दैट्स इट फॉर दिस वन फ्रेंड्स, नाउ लेट अस गो टू द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस सेशन। ओके, हमारा आज का लास्ट वर्ड है जो कि मल्टीपल यूजेस जिसका हम आपको दिखाएंगे, दैट इज लीन। दोस्तों लीन जो है वो वर्ब फॉर्म में ही यूज़ होता है मोस्टली, इसका कोई नाउन फॉर्म अभी तक देखा नहीं। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन में 2017 में पूछा गया था, ही लीन ऑन माई ओपिनियन वेन इन डिलेमा, यानी कि वो मेरे ओपिनियन पे डिपेंड करता है जब उसे कोई कन्फ्यूजन हो। ओके, सो ही लीन्स ऑन टू माई ओपिनियन, ऑन माई ओपिनियन। ओके, एंड द सेकेंड सेंटेंस इज ही सीम्स टू लीन मोर टू हिज सन देन हिज डॉटर। देखिए फर्स्ट सेंटेंस में यू लीन ऑन यूज़ किया गया है बिकॉज इट मीन्स डिपेंडिंग ऑन समथिंग, और सेकेंड सेंटेंस में ही सीम्स टू लीन मोर टू हिज सन, यानी कि ही फेवर्स हिज सन मोर देन हिज डॉटर। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ द सेंटेंसेज। यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बोथ द सेंटेंसेज, तभी आप इसके प्रपोजिशंस कर पाओगे। दैट्स इट फॉर दिस सेशन फ्रेंड्स, प्लीज डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर वीडियोज इफ यू हैव रियली फाउंड दिस वैल्यूएबल एंड इन्फॉर्मेटिव, एंड प्लीज स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट, इट इज़ गोइंग टू बी अप रियली सून। हम इसका पार्ट टू जल्दी से जल्दी अपलोड करने वाले हैं, जिसमें कि हम एरर्स और ट्रिक्स भी कवर करेंगे, जो प्रपोजिशन के कॉमन एरर्स होते हैं उन्हें भी कवर करेंगे, और जो ट्रिक्स हैं उन एरर्स को काउंटर करने के लिए वो भी कवर करेंगे। और दोस्तों हमारा इडियम्स और फ्रेजेस का भी अगला वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो प्लीज़ आप इसके आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, और जितना शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो टू स्प्रेड द गुड वर्ड एंड कीप अस मोटिवेटेड। थैंक यू।